इमरान, आपको लगता है कि ये ही वो बातें थीं जो पूछना चाहता था नैब, जिसके लिए तलब किया जा रहा था और इस प्रोसेस को इतना मुश्किल बना दिया गया था? नंबर एक तो शहबाज शरीफ साहब ने आज नैब के दफ्तर में तस्लीम की है ये बात कि आप जो कह रहे हैं वो ठीक है, ये करप्शन हुई है। मैं आपको दोबारा बता रहा हूं कि नैब के दफ्तर के अंदर इस रिकॉर्डिंग को अगर शहबाज शरीफ साहब चाहें पब्लिक करना तो सुप्रीम कोर्ट में जाके कहें कि जनाब जो मैं बात करके आया उसको पब्लिक कर दें। शहबाज शरीफ साहब ने नैब के दफ्तर में कहा कि जी आप ठीक कह रहे हैं कि ये करप्शन हुई है। दूसरा उन्होंने कहा जी कि मेरा इस करप्शन से कोई ताल्लुक नहीं है, मेरे बच्चों ने की है, मेरे जो बेटे हैं उन्होंने ये काम किया है, मेरे दामादों ने ये काम किया है, मैंने ये काम नहीं किया, मेरा इससे कोई ताल्लुक नहीं है। आपका मौकफ बिल्कुल ठीक है, ये जो आप हमारे सामने चीजें रख रहे हैं ये आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, करप्शन हुई है, लेकिन मैंने इसमें कुछ नहीं किया। नंबर एक तो इस बात को आप रखें कि उन्होंने डिसओन कर दिया अपनी फैमिली को, अपनी बीवियों, अपनी बच्चों को, अपनी बीवियों को। शहबाज शरीफ साहब ने कहा जी मेरा इससे कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन ये करप्शन हुई है। एक तो उन्होंने ये तस्लीम कर लिया। दूसरा, शहबाज शरीफ साहब पिछली मरतबा इन्होंने वादा किया था नैब से, नैब ने उन्हें कहा था कि जी आपके बच्चे, आपकी फैमिली जवाब नहीं देते और हमने उनको कई दफा लेटर लिखे और वो पाकिस्तान से बाहर भागे हुए हैं, तो उनका क्या करें? शहबाज शरीफ साहब ने कहा था जी कैसे हो सकता है, आप मुझे सवाल दें, मैं लेकर जाऊंगा और मैं वो जवाब आपको लाकर दूंगा। तो नैब ने उनसे कहा जी दें जवाब की तरह। तो शहबाज शरीफ साहब ने आज कहा उन्हें जी मेरा उनसे कोई ताल्लुक नहीं है, आपने जवाब लेने आप उनसे लें, मुझे आप उनके बारे में ना पूछें। उसके बाद नैब ने शहबाज शरीफ साहब के सामने कुछ ट्रांजेक्शन रखी जो शहबाज शरीफ साहब के अपने अकाउंट में हो गई थी गलती से। इस बात से शहबाज शरीफ साहब बहुत ज्यादा परेशान हो गए थे और उन्होंने जो है वो उनको काफी पसीना भी आ गया था। शहबाज शरीफ साहब खासे परेशान हुए इस बात से कि जब नैब ने उन्हें कहा कि जी आपके अपने पर्सनल अकाउंट के अंदर टीटियां गिरी हैं, तो उन्होंने कहा जी दिखाएं किधर है। तो उन्होंने जब सबूत रखे शहबाज शरीफ साहब के आके, तो शहबाज शरीफ साहब ने एक पेन निकाला और कागज निकाला और फटाफट वो लिखना शुरू कर दिए। अच्छा, शहबाज शरीफ साहब जब ये इन्वेस्टिगेशन हो रही थी तो पहले 10-15 मिनट के अंदर ही, ये सवा घंटे तकरीबन इन्वेस्टिगेशन रही है, 1 घंटा 15 मिनट, पहले 15 मिनट में शहबाज शरीफ साहब की लड़ाई हो गई थी वहां पे। शहबाज शरीफ साहब ने उनसे कहा कि ये कैमरा बंद करें। अच्छा,